टू फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का मॉर्निंग हो रहा है और मैं नहा के रेडी हो गई, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, फैमिली ब्लॉगिंग। और बहुत दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है, 10-15 दिन हो गए नहीं जा रहा है। उसका रीज़न था कि पहले तो मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पैर फ्रैक्चर हो गया था, और पैर पैर जो है फ्रैक्चर हुए, उनको 1 महीना हो गया। उसके बाद उनका पैर ठीक हुआ था, तो उनको लीवर में बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पेट में इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ, इतना बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उनके पेट में। तो लगातार उनके 1, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, मतलब लगातार होता रहा 1 हफ्ते तक। और हमने ऐसा नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, और मतलब 2-4 डॉक्टर बदल दिए, लेकिन कोई भी उनका दर्द पेट का नहीं बंद कर पाया। फिर एक दिन रात में दर्द हुआ, अभी 4-5 दिन पहले, तो हम लोग हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया हमने, 11 बजे रात में उनको भर्ती किया हॉस्पिटल में। हमारे पास ही में सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ हमने उनको भर्ती भी किया था। तो रात में 10 बजे हमने 11 बजे भर्ती किया, तो सुबह दूसरे दिन 12-1 बजे आए हैं वो घर पर। तो मतलब सब लोग अपनी अपनी आफत में मतलब लगे हुए हैं इस टाइम, इतने परेशान है घर में सभी लोग, इतने बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके चक्कर में। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब दर्द होता है ना, तो एक आदमी तभी रोता है जब वो उसकी उसके जो है ना, वो चीज़ को सहन नहीं कर पाता, तभी वो आदमी रोता है, वरना जेंट्स कभी भी रोते नहीं है, कितना भी दुख आ जाता है। लेकिन जब वो रोते हैं, तो समझ लो उनके उनके लिए बहुत ही बड़ा कोई दुख है, या उनको बहुत बड़ा कष्ट है, तभी वो रो रहे हैं। तो ये देखो मेरे यहाँ दाना भी कितना बड़ा निकल आया है। तो बस अभी एडमिट कराया, फिर एडमिट करा के हमने सोचा सही है, उनका दर्द भी आराम हो गया था, लेकिन उनको नशे का इंजेक्शन दे रखा था, इसलिए वो सो रहे थे, तो उनको दर्द पता नहीं चला। लेकिन घर छुट्टी करा के लेकर आए ना, तो फिर से उनका दर्द ऐसे ही हो गया। तो लगातार उनके छुट्टी कराने के बाद भी 2-3 दिन लगातार दर्द हुआ, और हमने यहाँ घर पे ड्रिप चढ़ाई, डॉक्टर को दिखाया, 2-4 डॉक्टर को दिखाया। वहाँ हॉस्पिटल से भर्ती होने के बाद फिर टेस्ट भी हुए उनके, और एक दो तो टेस्ट ऐसे थे जो पहले भी हो चुके थे, उसमें लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, और तो थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। बाद में हमने और टेस्ट कराया, तो उसमें भी दिक्कत थी, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं दिक्कत के अकॉर्डिंग इतनी इनको पेन नहीं होना चाहिए। और इनके स्टोन भी आई थी, 1 किडनी में 3 स्टोन थी, बट वो स्टोन का पेन नहीं था, क्योंकि स्टोन का पेन अगर होता है तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद बंद भी हो जाता है। मेरे हस्बैंड के भी हुआ था, तो उनके भी इंजेक्शन लगाते थे, बंद हो जाता था ऑब्वियसली। और किडनी का जो है ना साइड में दर्द होता है, लेकिन इनके यहाँ पे होता है, ये बीच में होता है, पेट में बीच में होता है, टमी के टमी में होता है, मतलब टमी का जो है ऊपर वाला पार्ट है, इसमें होता है बीच में पेट के। तो इतना पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, घर में सब परेशान हो जाते हैं, सब रोने लग जाते हैं। तो फिर हमने इनको बरेली ले जाना सोचा, पहले भी मतलब बरेली लेके गए थे, बट वहाँ ले जाके डॉक्टर ने कुछ ऐसा नहीं बताया, टेस्ट वगैरह कराए, बोला कि ठीक है, किडनी है, दवाई दे दी, लेकिन उसकी दवाई से बिल्कुल इनको आराम नहीं मिला। तो अभी हम लोग कल भी ले गए थे उनको, परसों भी ले गए थे, तो उनका और टेस्ट हुआ है, तो उनके जो है 1 किडनी में 3 स्टोन है, और 1 में छोटी सी गांठ आई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर ने बोला है, तो वो भी सही हो जाएगी, 3 दिन की दवा दी है। तो अभी उनको 48 घंटे में उनके लगातार कंटिन्यू जो है ना ड्रिप चढ़ रही है, बोतल घर पे ही चढ़ रही है। 3 दिन के बाद हमें जाना है, तो उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ब्लड टेस्ट बताया है उन्होंने। तो बस यही घर में प्रॉब्लम चल रही है, चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो बस आज मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ वीडियो। फैमिली, अगर आप लोग मेरी फैमिली हो और मैं फैमिली ब्लॉग बनाती, तो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, इतने दिन से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोग को दिखाऊँगी विशाल भैया कैसे हो गए, मतलब मेरे देवर, मतलब चेहरा ही उनका उतर गया। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी भी वो कैसे हो गए यार, इतना पेन सहा उन्होंने, इतना सहा, बहुत ज़्यादा, मतलब वो ठीक हैं तो इतना सह गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो तुम्हें पता, मतलब मोस्टली हर आदमी कोई भी होता ना उनकी जगह, सच में वो लेट जाता, बट वो बहुत शैन कर रहे हैं। तो बस अभी उनके लिए फरीजी खाना घर में चल रहा है, कुछ नहीं उनको लिक्विड वाली चीज़ें बोली है, उनको रोटी बिल्कुल मना है, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ लिक्विड वाली चीज़ें जैसे कि एनर्जल वगैरह है, और जो भी तरल पदार्थ है वो देने हैं, और उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देती। उनके लीवर पे इन्फेक्शन भी है, घाव भी हो गया है, और स्वेलिंग भी है उनके लीवर पे, और स्टोन तो है ही, हुई गांठ भी हो गई, मतलब एक साथ उनको इतनी पेट की प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा। घर में इस टाइम सब परेशान है, तो मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, और मैं भी नहा ली हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहा लिए, ये देखो
ये भी नहा लिए हैं और बस अभी चलती हूँ मैं किचन में, देखते हैं कि क्या काम है अभी, सुबह का काम है फिलहाल तो बस चलते हैं अभी चाय। मैं थोड़ा सा देर से उठी थी आज क्योंकि पता नहीं चला ना एसी में लेट तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ गर्मी का एहसास होता है तब इंसान जल्दी उठता है, तो बस अभी चलती हूँ मैं बाहर। क्या करा रहे चलते हैं बाहर ही तैयारी कर लेती हूँ, लड्डू को तैयार कर देती हूँ और पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में क्योंकि पूजा सबसे पहले है उसके बाद सब काम है, तो बस फटाफट मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। लड्डू जी मेरे लेटे हुए हैं अभी, वो नहाए नहीं है और बाकी हम लोग तो नहाए ही हैं, तो बस चलते हैं अभी अंदर और तैयार करते हैं लड्डू को। यहाँ पे आए हैं दीपू भैया, विशाल भैया को देखने भी आए हैं और मेरे लेके आए नाश्ता है, ये देखो यहाँ पे चीज़ें बना के लेके आए हैं और ये कुक बहुत अच्छे हैं। बस अभी हम नाश्ता करेंगे, चाय मेरी बन रही है अभी बनी नहीं है, चाय पी लेते मिलते थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया था, यहाँ पे आए थे डॉक्टर, भैया की ड्रिप चढ़नी थी और भैया के मतलब रेगुलर 3-4 दिन तक ड्रिप सुबह शाम चढ़नी है, तो यहाँ पे डॉक्टर ड्रिप चढ़ाने की जो है तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे लोग सब बात कर रहे थे कि कैसे चढ़ती है, मतलब वो लगा के चले जाते हैं बाद में इनको देखना पड़ता है कि निकालना है और क्या चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है, तो बस यहाँ पर भैया ड्रिप लगा दे रहे हैं भैया के और बस अभी लगेगी। और सच बताऊँ ये पेन का लग रहा है क्योंकि इनके दर्द उठ जाता है जब ड्रिप लगती है, तो 2-3 दिन ड्रिप लगेगी। और यहाँ पे ब्लड चेक करने भी आए थे क्योंकि डॉक्टर ने बताया था लीवर में जो भी प्रॉब्लम है, उसके बाद थोड़ा ब्लड टेस्ट वगैरह उन्होंने लिखे थे, तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट करने भी आए हुए थे, तो बस यहाँ पे ब्लड फटाफट टेस्ट कर रहे हैं। और परीजी खाना भैया का चल रहा है, मतलब इनको रोटी खाने के बिल्कुल ही मना कर रखा है इस टाइम, कुछ भी नहीं बट सिर्फ दाल ले रहे हैं इस टाइम और कुछ भी भैया नहीं खा रहे हैं, तो बस यहाँ पे मम्मी फल काट रही हैं और मैं वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी और इतने दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कोई बीमार हो और फिर मैं वो वीडियो बनाऊँ, फिर जो बीमार है उसको भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने खा लिया है और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है, तो बस अभी आराम आराम करेंगे और भैया ने अभी 1-2 बिस्किट ले लिए थे और थोड़ी सी मूंग की दाल ले ली थी, मतलब दाल का पानी ले लिया था और उन्हें भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो उन्होंने बस 2-3 बिस्किट ले लिए, तो उनके पेट पर बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, तो बस अभी उनको कैप्सूल वगैरह दिए हैं और पेन का जो है उनको गोली दी है पेन की, तो बस अभी आराम कर रहे हैं वो। अभी आपने देखा ही उनके बोतल वगैरह लग चुके हैं, शाम को लगेगी बोतल और आज नेहा की मम्मी आ रही हैं देखने के लिए, तो मोस्टली जिनको पता चलता है वो तो आएंगे देखने के लिए। तो कल भी मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, परसों भी आए थे, डेली आ रहे हैं, तो बस अभी सुबह से आज कोई नहीं आया है फिलहाल, तो आज नेहा की मम्मी आने वाली है, तो बस अभी हम लोगों ने तो खाना खा लिया है, बस अभी खाना ना खा लिया आराम कर लेते हैं क्योंकि आराम इस टाइम हो नहीं पा रहा है, तो बस अभी आराम करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाहर आ चुकी है और हम चलते हैं इसे मिलने के लिए बाहर। वीडियो नमस्ते आंटी, नमस्ते ठीक है, हाँ बढ़िया, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे नेहा की मम्मी आई हुई थी तो हम सब लोग बैठे हुए थे क्योंकि वो पता है सुबह 7 बजे की चली हुई थी, तो उनको हम लोग इंतज़ार कर करके मतलब उनको 2:30-3 बज गए हैं, तो बस अभी हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं और भैया भी यहाँ बैठे हैं, सबको पता चलता है तो वो देखने तो आते ही हैं, फिलहाल आंटी बेचारी बहुत दूर से आई हैं वो भी अकेले, तो यहाँ बस अभी चाय पानी उनको कराएँगे और देखो यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही है, तो बस भैया भी देखो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं पहले से, बस यहाँ पे सबका फेस ऐसे ही हो रखा है, मम्मी का सबका हो रखा है, बस मेरा कैमरा है थोड़ा गंदा, तो बस अभी मैं यहाँ पनीर की भुजिया छोड़ देती हूँ, तो यहाँ नेहा ने प्याज आज काट के रख दिया था, तो बस अभी मैं पनीर की जो है ना भुजिया छोड़ देती हूँ और शाम को जो है इन लोगों ने खाना ऐसे 4 बजे के करीब खाया था, तो बस थोड़ा बहुत जो खाना बनेगा बस वही बनेगा, बस मैं वही फटाफट खाना बना लेती हूँ शाम का, बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।